Welcome to you all. You are watching Go With Trend. So today we are going to start variables in Python. आज हम start करने वाले हैं variables in Python. Last video में हमने keywords देखे थे Python के कि keywords हमारे कितने तरह के होते हैं, keywords होते क्या हैं Python में. आज हम variables देखने वाले हैं. Variables और keywords में बहुत differences होते हैं. कभी भी चलो ये तो हम आगे देखते हैं Python के कुछ हो गया. So variables एंड नेमिंग कन्वेंशंस. हम जब बात करते हैं वेरिएबल्स की तो वहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर करने की बात भी आती है और उनको उनके नाम क्या रखते हैं हम उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या नाम रखना चाहिए हमें वेरिएबल का, क्या नहीं रखना चाहिए, वो नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं. ठीक है, वेरिएबल्स तो क्लियर है कि पाइथन में वेरिएबल्स का प्लेस होता है. वेरिएबल्स को एज अ स्टोरेज प्लेस होल्डर कहा जाता है टेक्स्ट के लिए और नंबर्स के लिए. मतलब इसका ये होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को क्रिएट करते हैं और उसमें हम कुछ टेक्स्ट या कुछ नंबर उसमें हम स्टोर कराते हैं. एग्जांपल मैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 इज डिक्लेयर्ड एज अ वेरिएबल. ओके, सो x क्या है यहाँ पे, x एक वेरिएबल का नाम है और 5 क्या है, वो वैल्यू है जो x में स्टोर है. यानी कि x नाम की वेरिएबल में 5 वैल्यू स्टोर्ड है. ठीक है, फिर ये हमारा वेरिएबल क्रिएशन हो गया. तो अब हमें ये ध्यान रखना होता है वेरिएबल क्रिएशन के टाइम पे कि हम जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो कोई स्पेशल कैरेक्टर हमारे वेरिएबल के पहले ना आए. जैसे कि हमने यहाँ पे अंडरस्कोर और एक्स लिख दिया तो वो हमें नेमिंग कन्वेंशन में नेम एरर शो हो जाएगा. ठीक है, तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमें अंडरस्कोर या कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है तो हम वो वेरिएबल के बाद यूज़ करें. या जैसे कि एक्स अंडरस्कोर 5 या एक्स अंडरस्कोर वाई हम यूज़ करें वो नेमिंग कन्वेंशन के लिए सही होगा. बट अगर हम कोई अगर अलग तरीके से नेमिंग कन्वेंशन को ब्रेक करते हैं तो हमें उसमें सिंटैक्स एरर या फिर नेम एरर शो करेगा बिकॉज वी आर गोइंग बियॉन्ड द नेमिंग कन्वेंशंस. सो पाइथन में ये ज़रूरी है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो अंडरस्कोर है ये हम पहले लगाएं हैं, बाद पहले नहीं लगा सकते, बीच में बाद में लगा सकते हैं, बट पहले लगा के इससे स्टार्टिंग क्रिएट नहीं कर सकते वेरिएबल. सेम वे हम ना प्लस का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ना ही माइनस साइन का. तो ये ध्यान रखना है हमें नाम को बनाते वक्त, वेरिएबल क्रिएट करते वक्त, कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारे कन्वेंशंस ब्रेक नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं वेरिएबल्स के, ये कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं. यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 लिखा है तो ये हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है. 1, 2, 3 पर है तो ये लॉन्ग इंटीजर है बिकॉज ये एक डिजिट था, यहाँ पे 4 डिजिट्स हो गया तो ये लॉन्ग इंटीजर टाइप वेरिएबल हो गया. फिर आता है 3.14, तो डबल फ्लोट टाइप वेरिएबल. हमने डेटा टाइप में पढ़ा था कि हमारे पास इंटीजर, लॉन्ग, डबल ये कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, तो ये उस टाइप का वेरिएबल हो गया हमारा. देन हमारे पास लिस्ट टाइप वेरिएबल, ये भी हमारा लिस्ट था. लिस्ट टाइप हमारे किस में था, सीक्वेंस टाइप वेरिएबल डेटा टाइप में था. लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग, तो ये उस टाइप के वेरिएबल्स हो गए. यहाँ पर भी आपको लिस्ट एंड टपल में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा. एक बात और ध्यान रखनी है कि जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन में कीवर्ड्स के, उसे वेरिएबल की तरह कभी कन्वर्ट नहीं यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज उनकी वैल्यूज़ उनका वर्किंग ऑलरेडी असाइन में हो चुका है. तो उन्हें हम एज अ कीवर्ड, कीवर्ड को एज अ वेरिएबल पूरे प्रोग्राम कोडिंग में हम कहीं यूज़ नहीं कर सकते, वो नेमिंग कन्वेंशंस के बियॉन्ड हो जाएगा. उसके ज़रिए हमें एरर शो हो जाएगा कि हमारा नेम एरर है या फिर सिंटैक्स एरर है, हम वो कर ही नहीं सकते बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड इन पाइथन. सो वेरिएबल के लिए आज इतना ही, क्योंकि वेरिएबल्स में इतनी ही चीज़ें हैं जो सफिशिएंट है जानने के लिए. सो अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो कंटेंट या कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. अदरवाइज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू एंड स्टे सेफ. बाय.